Hello everyone, I am Dr. Arvind Kumar and today I will be discussing hypothyroidism. What exactly is hypothyroidism? उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या है. हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड होता है जो T3 और T4 रिलीज करता है. T3, T4 हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंटली काम आते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान फीटल ग्रोथ के लिए, फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशल रोल है. हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जब हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 निकलना कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए. तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा और पिट्यूटरी से TSH बढ़ जाएगा. TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो अगर TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड लेवल पे T3, T4 की डेफिशिएंसी हुई थी. अब सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म को? तो सिम्टम्स आते हैं इसमें बहुत जल्दी थकावट हो जाना, बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस हो जाना, हेयर फॉल होना, ठंड बहुत ज़्यादा लगना, एबनॉर्मल पीरियड्स होना, ड्राई स्किन, ये सब सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के. अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो हमें फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए. डॉक्टर हमारे लिए टेस्ट एडवाइस करेगा और टेस्ट होंगे T3, T4 और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो कि बढ़ा हुआ होगा. अब इनकी रेंज क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन TSH. तो अगर हम विदाउट प्रेगनेंसी बात करें तो 0.3 से अप्रोक्सीमेटली 5 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशल होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, हम रेंज रखते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट, लेस देन 2.5 TSH की. सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 तक रेंज रख सकते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.5 तक हम इसकी रेंज एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ले लेते हैं. अब अगर ये थायराइड डायग्नोज हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज हो गया, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? इसका मैनेजमेंट बहुत सिंपल है. इसका मैनेजमेंट होता है थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट. अगर थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो ऑफकोर्स हमें थायराइड हार्मोन बाहर से देना पड़ेगा. तो फिजिशियन डिसाइड करते हैं कि कितनी डोज से स्टार्ट करा जाए और डोज डिपेंड करती है थायराइड वैल्यू पे, डोज डिपेंड करती है एज के ऊपर. यूजली एल्डरली एज ग्रुप में हम हल्की डोज देते हैं और अडल्ट्स में हम थोड़ी सी ज़्यादा डोज भी दे सकते हैं. और फिर सब्सिक्वेंट टेस्ट कब कराना है? 6 to 8 weeks के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि आपका TSH थायराइड कितना कंट्रोल में आ रहा है. अब एक टर्म आती है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, आपके डॉक्टर ने ये टर्म यूज़ करी होगी, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. तो ये रूटीन चेकअप पे डिटेक्ट होता है, जिसमें कि TSH लेवल्स बढ़े हुए होंगे और T3, T4 नॉर्मल होंगे और सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो सकते हैं या सिम्टम कुछ भी नहीं हो सकते. तो क्या इसको ट्रीट करना ज़रूरी है? आंसर है इसका, ये ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होता है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की एज क्या है. पेशेंट प्रेगनेंसी तो नहीं है पेशेंट को, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम स्ट्रिक्ट TSH की वैल्यू रखते हैं, 2.5 से नीचे रखते हैं. तो अगर TSH बढ़ा हुआ है तो उस समय ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. बट जो बेस्ट डिसीजन होगा वो आपके डॉक्टर लेंगे कि आपको ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना. सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है आगे जाके. होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी. अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.